दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएस बाइक टेक्निकल। दोस्तों आप जो इंजन देख रहे हैं एचएफ डीलक्स BS6 मॉडल का इंजन है ये। एचएफ डीलक्स हो या स्प्लेंडर हो, BS6 मॉडल इंजन दोनों का एक ही होता है। इस इंजन का परफेक्ट तरीके से टाइमिंग कैसे सेट करते हैं आप इस वीडियो में पूरा डिटेल में देख सकते हैं। तो चलते हैं इंजन के पास। मैंने इसका जो टाइमिंग है पहले से सेट कर रखा है, आप देख सकते हैं। जो इसका मैग्नेट है वो मैंने टॉप में कर रखा है, ऊपर इस पर आपको टी का निशान नज़र आ रहा है। और चैम्बर में आप यहाँ देख सकते हैं साइड में एक कट का निशान है, जहाँ पे आप ये एरो देख पा रहे हैं यहाँ पे कट का निशान है। और ऐसा ही निशान एक मैग्नेट पे है कट का, लाइन का निशान, ये निशान आप देख पा रहे हैं। ये दोनों निशान आमने सामने रहेंगे तो यहाँ से मैग्नेट का टाइमिंग सेट हो चुका है। अब चलते हैं टाइमिंग गिरारी की तरफ। आप टाइमिंग गिरारी देख सकते हैं, इसमें जो ये बिंदी है ये आगे की ओर है और जो हेड में कट है उसके आमने सामने ये बिंदी रहेगी। इस तरीके से हेड का भी टाइमिंग मिल चुका है। और जब टाइमिंग सेट होगा तो उस समय दोनों टैपिटों में हल्की पले होनी चाहिए, जैसा आप ये देख रहे हो ऊपर वाले टैपिट में और नीचे वाले में, इन दोनों में हल्की पले होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इस इंजन का परफेक्ट टाइमिंग मिला सकते हैं। ऐसे टाइमिंग मिलाने के बाद बाइक एक किक में या फिर एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।